लाइव स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे दोस्तों मेरे तेज गिरी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं डीआई। हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे, डीआई करेंगे। और ये डीआई आपका उली बोर्ड के हमने मॉक टेस्ट से पिक किया है। ये डीआई जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, स्पेशली डिजाइन फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क एंड ऑल बैंकिंग एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम होता है आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, जो भी आपके बैंकिंग के एग्जाम होते हैं दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। LIC AA का एग्जाम हो, ADO का एग्जाम हो, ठीक है, जो भी एग्जाम आपके बैंकिंग के होते हैं उससे रिलेटेड, जो भी RBI असिस्टेंट RBI ग्रेड भी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बिलो पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ वेरियस कोर्सेज ABCDE हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। अब टोटल स्टूडेंट जो अपीयर्ड हुए वो कितना है दोस्तों, 60,000 है, ठीक। अब जैसे हमसे पूछेगा कि ए में कितने अपीयर्ड हुए हैं, तो ए का कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ए का हम लोग निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 60,000 का 20%, ठीक। 60,000 का 20% कितना, यहाँ से 15 कर दीजिएगा, या तो 10 जीरो हटा के 2 से गुना कर देते, 6 × 12 हो जाएगा कितना, 6 × 12, तो ये 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000 हो जाएगा, समझ रहे। वैसे ही हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। जैसे फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं, मेल का दे रहा परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ मेल स्टूडेंट, तो 25,000 जैसे ए का निकालना है तो कितना, ए का कितना हो जाएगा, 18% हो, 18% ऑफ किसका, 25,000 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये 0 25 8 200 के हाथ में लगा 20, आप 25 × 45, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 4500 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये एक जीरो इसका आ गया, 25 8 200 का जीरो, ये 45, ठीक, तो ये 4500 हो जाएगा। तो ए का टोटल यहाँ पे कितना है, ए में जो है, एक तो बेसिक अप्रोच में आप लोग को समझा रहा हूँ, 12,000 है टोटल, कितना है, 12,000 है दोस्तों। 12,000 में से 4500 मेल हो गए, तो 7500 क्या हो जाएगा, फीमेल, 4500 मेल हो गए तो 7500 फीमेल। आप लोग इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। उसके बाद हमसे कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, टाइम नहीं बचता, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव डीआई है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा, नहीं, थोड़ा सा अप्रोच बदलिए, टाइम बचेगा आपके पास, थोड़ा सा आपको बस अप्रोच बदलने की ज़रूरत है दोस्तों, टाइम आपके पास बचेगा। और मैं बताऊँगा कैसे बचेगा, 2 मिनट से 2.5 मिनट, ये अच्छा लेवल का डीआई है दोस्तों, कैलकुलेटिव डीआई है, लेकिन आप अप्रोच बदलिएगा तो 2 से 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ना दोस्तों, टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिख दीजिए, तो टोटल कंप्यूटर जी थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखिए, क्या दिक्कत हो रही है, टोटल और मेल, और यहाँ लिख दीजिए फीमेल। तो टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है वो दोस्तों कितना है, 60,000, और मेल कितना है, 25,000, ठीक। तो 3 जीरो इसका काट दीजिए, 3 जीरो इसका काट दीजिए, रेशियो लीजिएगा तो ये 12 और ये 5, तो रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 और 5 का रेशियो आएगा। रेशियो जो आपका आएगा वो कितने का आएगा, 12 और 5 का ही रेशियो आएगा, मतलब टोटल जो वैल्यू होगी वो 12 यूनिट है और मेल जो है वो 5 यूनिट है। इसी सुनहरे अंदाज से हम इस डीआई को करेंगे दोस्तों, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत प्यार से होगा। मतलब हमको ये बात पता चल गया, जहाँ भी टोटल लेना है वहाँ 12 यूनिट लेंगे, और जहाँ मेल लेना है वहाँ 5 यूनिट, तो फीमेल 7 यूनिट हो जाएगी, ठीक, समझ आ गया सब कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम कोर्स ए एंड डी। एंड है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, एंड डी टेकन टुगेदर। अब ए और डी का देखिए, तो आप लोग गलती दोस्तों क्या करते हैं ना, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेशियो है मेल और फीमेल, तो आप लोग क्या करते हैं, मेल निकालते हैं ए प्लस डी, और फिर दोस्तों फीमेल निकालते हैं प्लस डी। अरे फीमेल का ग्राफ दिया ही नहीं है, तो फीमेल कहाँ से निकालिएगा, टाइम लगाइएगा मेल में से, उसमें से माइनस कीजिएगा फिर निकालिएगा। नहीं दोस्तों, हम लोग ये रेशियो नहीं निकालेंगे, हम लोग ये रेशियो नहीं निकालेंगे, हम लोग अंदाज कुछ अलग है दोस्तों। देखिए हम लोग क्या ले लेते हैं, टोटल, टोटल का रेशियो लेते हैं, और किसका, मेल का रेशियो ले लेते हैं दोस्तों। तो ए एंड डी का बात करते हैं, ए एंड डी का टोटल जो है, तो यहाँ पे कंप्यूटर जी ले चलिए, ए एंड डी, ए कितना है 20% है, और डी कितना है 13% है, तो 20 और 13 33%, 33% किस रेशियो में है, 12 के रेशियो में है। तो टोटल ए एंड डी कितना हो जाएगा, 33% किस रेशियो में दोस्तों, तो ये आपके 12 रेशियो में है।
अब यहाँ पे मेल देखिए ए एंड डी कितना है, ए 18% और ये 12, तो ये 18 18 36 और 32 हो जाएगा 32% 5 रेशियो में। तो ये आपका हो गया 32% किस रेशियो में दोस्तों, तो 5 के रेशियो में। कटेगा कुछ? हाँ कटेगा, 4 से कट जाएगा दोस्तों, ये 3 टाइम्स में 4 से कट जाएगा ये 3 और 4 से कट जाएगा ये 8। तो ये मेल कितना हो गया 40 और टोटल कितना हो गया 3 3 का 9 3 3 का 9, तो यहाँ पे मेल 40 हो गया, टोटल 99, तो 59 आपका फीमेल हो जाएगा। तो फीमेल कितनी दोस्तों 59, कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको सही कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फीमेल कितनी 59, पता नहीं पेन क्यों सही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे रेशियो कितना हो गया मेल और फीमेल का, बहुत आसानी से हो गया दोस्तों, 10 से 12 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन में। नहीं तो आपका अगर अप्रोच लेते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले ए का निकालते हैं फिर डी का निकालते हैं टोटल, उसमें से ए और डी को माइनस करते, बड़ी बड़ी वैल्यू माइनस करते, फिर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते थे दोस्तों, तो फिर दिक्कत हो जाती। देखिए अप्रोच समझिए, बहुत सुनहरे अंदाज से करना है क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना, बहुत आसानी से होगा। ये अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय मेल स्टूडेंट, ए डी एफ का सेंट्रल एंगल निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए डी एंड एफ, ए और डी अभी हमने जोड़ा था, कितना जोड़ा था दोस्तों 32, और एफ 14 और जोड़ देना है, तो 32 + 14 यहाँ पे कितना कर देना है, 32 + 14 4 2 6 3 1 4 कितना हो गया दोस्तों 46%। तो देखिए ना पूरा सर्किल रोटेट करते हैं तो 100%, तो 100% में कितना होता है 360 डिग्री, तो 10% में कितना हो जाएगा 36 डिग्री, और 1% में कितना हो जाएगा दोस्तों 3.6 डिग्री, और 46% में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3.6 × 46 डिग्री, यही तो है दोस्तों, बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ भी आप लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आपसे गलती क्या होती है कि आप लोग गुना करने लगते हैं, कैसे तो 46 इधर लिखते हैं 36 ये लिखते हैं, कहते सर बहुत कैलकुलेटिव था, मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक बताइए। अरे देखिए ना 6 6 का 36, यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट 6 आएगा और एक अंक के बाद डेसिमल आएगा। देखिए इसमें 6 है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसी में है ऑप्शन टी, दो दो ऑप्शन होता तो चेक करते हैं। अब दो दो होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना होता, दो दो ऑप्शन होता, कोई बात नहीं दोस्तों, इसको 3 ले लेते, इसको कितना ले लेते 0 ले लेते, तो ये खत्म, क्षेत्र काट क्षेत्र 12 और 1 13, 138 से ज़्यादा होता 138 से ज़्यादा, और फिर आपको ये लगता था इसको 40 ले लेते, उससे कम होता तो कितना, 6 6 24 के 4 मिल 2 16 2 18, 138 और 184 के बीच में आता वैल्यू, तो 180 और 184, और उसमें भी जो दोस्तों था वो नियर अबाउट, देखिए आपको 160 165 के आसपास इसके मिडिल वाली वैल्यू होगी इसके बीच की, तो 180 के नज़दीक वाला वैल्यू, ये सब भी वैल्यू पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे इसको। सुनो बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा अप्रोच बदलिए, 2 क्वेश्चन 20 सेकंड, इससे ज़्यादा इन क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगेगा, एक आध क्वेश्चन होगा कैलकुलेटिव कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है कर लेंगे, इसमें कैलकुलेशन क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या करें, 75% ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम कोर्स, यहाँ देखिए डी एफ है दोस्तों, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ क्या है एफ है, 75% एंड 80% ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम कोर्स डी एंड एफ है पास द एग्जाम, पास में है एग्जाम, अ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फ्रॉम डी एंड एफ आर 80% एंड 60%, कितने हैं 80% हैं और 60% है दोस्तों, ठीक है हाफ पास। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट पास फ्रॉम डी एंड एफ, अब थोड़ा सा ना स्मार्टली वर्क करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली हम लोग वर्क करेंगे, 60,000 था और ये कितना था 25 था, 25,000 था, ठीक है, तो 2 ही 0 घटाएंगे दोस्तों, कितना 2 0 है, 1 ही 0 घटाइए, तो यहाँ पे ना स्मार्टली इसका 12 और 5 का रेशियो आया था हम लोग का, ये हटा दीजिए इसको सिंपली, यहाँ से समझिए जो रेशियो आया था वो 12 और कितना आया था 5, परसेंटेज निकालना है तो ये 500 ले लेते हैं, ये 1200 ले लेते हैं टोटल, और यहाँ पे मिल 500, परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक 1200 का परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, यहाँ पे 75%, और डी कितना है, यहाँ पे डी चलिए पहले डी एंड एफ कह रहा है, तो यहाँ पे डी और एफ लिख लीजिए दोस्तों, तो डी 13% है, एफ 18% है, डी 13% और एफ 18% है, यहाँ पे लिख लीजिए डी जो है 13% टोटल में, डी जो है वो 13% डायग्राम से हमने देख लिया, और एफ जो है आपका दोस्तों 18% है। चलिए कंप्यूटर जी थोड़ा सा सही से चलाइए कंप्यूटर जी, ये मारा आप पेन पता नहीं क्यों ऐसे चला रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों डी एंड एफ कितना है, डी 14 है और एफ भी 14 है, यहाँ पे डी एंड एफ दोनों कितना है 14% है, ठीक
देखिए बहुत सुनहरे अंदाज से इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुनहरे अंदाज। तो डी का 75% मतलब ये इसका 1200 का 75% निकाल लीजिए पहले, अब वो 13 उसका फिर 13 75% इसका कितना, नहीं तो सिंपली ऐसे कीजिए ना, 13% ऑफ 1200, 75% का वैल्यू कितना होता है 3/4, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से कट गया 3, तो 3 3 का 9 और 13 9 117, ये वाली जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 117 हो गई डी टोटल। ठीक, डी टोटल कितना हो गया दोस्तों, 117 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है सच किसी को कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, उसके बाद हम निकाल लेते हैं क्या एफ टोटल कितना दोस्तों, एफ टोटल एफ में 18% है तो 18 × 12 हो जाएगा, और इसका कितना 80%, 80% का मतलब कितना होता है दोस्तों 4/5, 80% का मतलब कितना हो जाएगा 4/5, तो 1872 यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 इंटू का कितना करेंगे 12, तो 72 × 12 2 2 4 और 84 और 4 2 86, 864/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 864/5, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 172.8 निकल गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन तो आसान था, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको स्किप करना ही चाहिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को, एग्जाम में स्किप करना ही चाहिए। चलिए अब यहाँ पे दोनों 14% है, डी भी 14% है एंड कौन सा एफ भी 14% है, तो यहाँ से डी मिल का निकाल लेते। कंप्यूटर जी थोड़ा सा सही से चलिए इसको दिखाइए, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा कंप्यूटर जी, चलिए ये मार्कर का पिन चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। डी जो है मेल, तो यहाँ पे कितना है 80% है और कितना 14%, तो 80% की वैल्यू 4/5 हो गई इंटू 14% किसका, ये 500 का दोस्तों, तो 5 14 5 14 6 56 हो गया, ये 117 और 56, 117 और 56 दोस्तों इनका डिफरेंस ले लेना है, यहाँ पे कितना 117 56 61 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया डी फीमेल, डी फीमेल कितना गया 61। अब उसी प्रकार से हम लोग ये भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों क्या निकाल ले लेते हैं हम लोग एफ में मेल, एफ में क्या निकाल लेते हैं हम लोग दोस्तों मेल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे भी 14% हो जाएगा, लेकिन ये 60% बोल रहा है, 60% के बोले 3/5 ऑफ कितना रेशियो है 3/5, 5 ही हो जाएगा क्योंकि 60% से परसेंटेज हमने ये माइनस कर रखा है, 5 और ये इसका कितना 14, तो 14 × 5 5 से 5 14 3 42, ये वैल्यू 42 हो गया, और ये वैल्यू 100 यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो 2 से 2 गया कितना दोस्तों हो जाएगा 0, और ये तो 0.8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 130.8। अब हमसे क्या पूछा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल, तो दोस्तों यही तो डिफरेंस ले लेना और यही आपका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जी थोड़ा सा नीचे कीजिए, तो डिफरेंस ये वाला जो वैल्यू वो 61 है और ये वाला जो वैल्यू है वो 130.8 है, तो इनका जो डिफरेंस हो गया, इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया दोस्तों, तो 69.8 हुआ, इनका डिफरेंस कितना 69.8। अब हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे कितना था दोस्तों 60,000 था और यहाँ पे कितना था 25,000, हमने क्या किया था दोस्तों एक ही जीरो काटा था कितना, और 5 से इसको काटा था तभी 500 हुआ था, तो हम गुना किससे करेंगे एक 5 और 1 0 से, किससे एक 5 और 1 0 से, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो इंटू कितना कर देंगे दोस्तों इंटू 50 कर देंगे, तो ये जीरो ये डेसिमल वाला ख़त्म, 8 5 40 के जीरो हाथ में लगा 4 और 9 5 45, 4 49 हाथ में लगा 4 30 और 4 34, 3 4 9 0 ये आपका आंसर। अब आप पूछ रहे होंगे सर 50 से गुना हमने क्यों किया, तो 50 से गुना इसलिए किया क्योंकि रेशियो जब हमने काटा था इनका तो हमने 50 से ही काटा था, तो जिससे काटेंगे उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आपको स्किप कर देना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्किप कर देना, सेकेंड लोएस्ट सेकेंड हाइस्ट पूछता है तो इस क्वेश्चन को क्या कर देना स्किप कर देना दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको नहीं करना, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कीजिएगा, सॉल्व करने के आप उसमें मत रहिएगा कि नहीं आपको सॉल्व करना ही है। ठीक, मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पूरा कंप्लीट डीआई कर लेते हैं ये वाला, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को ही बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करें, एग्जाम में तो आपको स्किप करना। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे क्या करें। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कोर्स ए एंड सी ड्यूरिंग 2017 इंक्रीज बाई 25% एंड 20%,
तो देखिए ना दोस्तों, ए एंड सी, तो ए कितना है भाई, ए है 20% और सी है 18%। ए कितना है 20 और सी है आपका 18%। चलिए दोस्तों, तो ए आपका 20%, 20% है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 25% की वैल्यू 1/4, तो 10 5 5 बढ़ जाएगा, तो ये एक्चुअली में हो कितना जाएगा, 25% हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और ये कितना था, 18% था आपका। कंप्यूटर जी थोड़ा सा सही से चलिए ना, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप, गर्मी हो रही है ना, तो मुझे लग रहा है इस गर्मी की वजह से वो हो जा रहा है, ठीक। और ये 20%, तो 18 18 2 36 3.6 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 21.6, तो ये दोनों मिला के कितना हुआ, दोनों मिला के हो गया आपका 46.6। अब ये 46.6 किस रेशियो में था दोस्तों, 12 रेशियो में था, किस रेशियो में था, 12 रेशियो में, तो ये कितना हो गया 559.2, कितना हो गया 559.2, टोटल का निकल गया, ये टोटल का निकला। अब हम किसका निकालते हैं दोस्तों, तो अब हम मेल का भी निकाल लेते हैं, ए एंड सी जरा सा देखते हैं, मेल में ए एंड सी कितना है, तो ए 18 है और सी 16 है, ए 18 है एंड सी 16 है, तो ए 18 है दोस्तों, 18 में 10% बढ़ जाएगा, तो 18 का 10% 1.8 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 19.8, और 16 में 20%, 16 2 9 32 3.2 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 19.2, तो 38 और एक 39, ये 39 हो जाएगा। 39 किस रेशियो में था, 5 रेशियो में था, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 195। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो ले लेना है दोस्तों, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, डिफरेंस हो गया 364.2। अब इसका क्या निकालना है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम ए एंड सी, तब देखिए टोटल ए एंड सी में से मेल माइनस कर देंगे तो फीमेल हो जाएगा। अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज दो लोग का है तो दो से डिवाइड करेंगे, एवरेज दो लोगों का है तो किससे डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, तो दो से डिवाइड करके 0.1, और 36 का 18 और इसका 2 182, और ये 0.1 आ गया, ठीक है दोस्तों। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो ये तो रेशियो आया, इतना यूनिट आया, रेशियो निकालने के लिए किससे गुना करेंगे हम लोग, तो 50 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 182.1 इंटू का 50, एक जीरो और एक 5, 50 नहीं दोस्तों 500 से करेंगे, क्योंकि दो जीरो है ना परसेंटेज के लिए, ठीक। तो एक तो जीरो आपका यहाँ पे आ गया, और ये कितना आ गया 5, नहीं सही तो था दोस्तों, 50 से ही कर रहे थे ना, 500 क्यों, एक जीरो एक्स्ट्रा क्यों लेना, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और 5 2 10 के जीरो हाथ में लगे, और 18 को सीधे 5 से कर दिया, 90 और 91, तो ये कितना हो जाएगा 9105, ऑप्शन नंबर बी आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 9105, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने क्या किया था, स्किप किया था, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप रिजिड हैं कि नहीं हमको बनाना ही है, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में स्किप कर देना, लेकिन अगर आप रिजिड हैं कि नहीं बनाना ही बनाना है, तो देखिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे बनाएंगे। कंप्यूटर जी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए इसको, यस गुड। तो पहले एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से, जितना क्विक एंड फास्ट हो सके, यहाँ ए बी सी डी ई एफ तक है दोस्तों, 6 6, अगर 4 रहता तो निकल जाता दोस्तों, 6 में थोड़ा सा समझ रहे ना, यहाँ पे टोटल टोटल मेल एंड फीमेल कैसे बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखिए जल्दी से हम दो दो तीन तीन वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं ए 20 15 18, 20 15 18 याद कर लीजिए, 20 15 एंड 18। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, 1200 लेंगे, याद है हमने बताया था 1200 टोटल ले लेंगे, और इसको कितना ले लेंगे 500 मेल को, 20 15 और 18 था, तो ये 20 था, तो 20 240 हो जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर 20 है तो 240, 15 था तो 15 ये कितना हो जाएगा 180, 1200 का 15% 180, और 18 था तो 18 × 12 216 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक टोटल निकल गया दोस्तों। चलिए और यहाँ पे फिर उसके बाद 13 16 18, उसके बाद कितना आ गया 13 16 एंड 18, 13 16 एंड 13 × 12 156,
156 कंप्यूटर जी, 16 × 12 कितना हो गया 192, 13 × 16 18 था, 18 × 12 216 ये हो गया। ठीक उसी प्रकार से मेल का भी निकाल लेते हैं, तो मेल का 18 20 16, 18 20 16 तो 18 5 90 होता है, 20 5 100 होता है कंप्यूटर जी सही से, चलिए थोड़ा सा 20 5 100 18 और कितना था ये देखिए भूल गया मैं, यही होता है 18 20 और 16 था दोस्तों, तो 16 5 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे जल्दी से निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए उम्मीद करते हैं अब आगे यहाँ पे हम निकाल लेते हैं जल्दी से हम लोग 14 18 14 14 18 और 14, ठीक 14 18 14, तो 14 5 70 और ये भी 14 था, और ये 18 भी निकाले थे 90, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 86 हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई 102 हो गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई 146 हो गई। क्या पूछा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल सेकेंड लोएस्ट फॉर विच। अब देखिए डिफरेंस फिर से निकालना पड़ेगा, अब ये तो सम हो गया, अब यहाँ पे हमको जो एक्स्ट्रा वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो क्या निकालना है दोस्तों, डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, यहाँ पे 60 हो जाएगा इनका, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस 6 56 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 76। सेकेंड पूछा है क्या, सेकेंड लोएस्ट, तो लोएस्ट फर्स्ट लोएस्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका फर्स्ट, और ये वाला हो जाएगा आपका सेकेंड, ये वाला हो जाएगा आपका थर्ड लोएस्ट के टर्म में, तो डी इज द लोएस्ट, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई आंसर कितना हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, डी का सेकेंड लोएस्ट है। ठीक उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस अप्रोच आपको बदलना था, इस क्वेश्चन को स्किप करना था और अप्रोच बदलना था, 2 मिनट में आपका बन जाता। ठीक कंप्यूटर जी थोड़ा सा इधर रोटेट कर दीजिए, जस्ट थोड़ा सा, बस हो गया। कह रहे एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 4 डिपार्टमेंट एफ जी एच के ईच ऑफ विच कंस्टिट्यूट ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड सीनियर्स। ठीक द टेबल गिवन बिलो द नंबर ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड सीनियर इन 2016, अच्छा एक्सिक्यूटिव दिया हुआ है 2016 में, सीनियर दिया हुआ है, ठीक, और परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्सिक्यूटिव, इस एक्सिक्यूटिव में कितना इंक्रीज हुआ 16 से 17 में, यही तो दिया हुआ है, सिंपल है ये डी आई, बहुत सिंपल है दोस्तों आपको, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्सिक्यूटिव के इन 2017, तो के में है कितना भाई, तो के में है 540, और के में बढ़ा कितना है 35%, कितना बढ़ा है 35%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 540। कंप्यूटर जी थोड़ा सही से चलिए, कंप्यूटर जी क्या प्रॉब्लम हो गई आपको, 540 का 35 बढ़ जाएगा तो 540 का 135% हो जाएगा, तो 540 × 135% हो गया ये आपका। ठीक है अब क्या पूछा है, एफ 2016, तो एफ 2016 में कितना है दोस्तों, तो एफ 2016 में देखिए कितना है 450 है एक्सिक्यूटिव, यही तो रेशियो निकालना है, इसका रेशियो किसके साथ लेना है 450 है। अब आप लोग कुछ लोग करते हैं ना कि 540 का 35% निकालते और यहाँ लिखते हैं फिर ऐड करते हैं दोस्तों, नहीं क्यों, जब मल्टीप्लाई करना है तो हम 135 सीधा लिख के काट देंगे, क्यों इतना गुना भाग करना, समझ रहे हैं ना इस बात को। चलिए कंप्यूटर जी इसको दिखाइए, तो ये 0 से ये 0 पहले हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, ये 0 से ये 0 को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, करेंगे इसको 27 दो से, और इसको कर देंगे 50, और 9 से कर देंगे इसको 45 से सीधे काटिए ना, 45 से 3 बार में, तो 81:50 हो गया, ये कितना हो गया 81:50, ऑप्शन नंबर है 81:50, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है दोस्तों चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है, बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा मार्कर को मैं चेंज करूँ क्या, जस्ट थोड़ा सा एक मोटा लेते हैं, रुकिए तो जरा सा दिक्कत क्यों हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एक्सिक्यूटिव जी इन 2017, जी किस में 2017 में एक्सिक्यूटिव, तो जी में कितना बढ़ा है 15%, तो 600 है, इसका भी वही है दोस्तों, रुकिए एक सेकेंड मार्कर को वही रखना पड़ेगा, 600 का 15% कितना हो जाएगा 600 × 15 = 90 हो जाएगा, तो वैल्यू है कितनी आपके पास 600 है, उसमें 15% बढ़ जाएगा तो 690 हो जाएगा,
600 है, 15% 90 हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा तो 690 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है, नंबर ऑफ सीनियर्स, तो 385 के साथ लेना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 305, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। क्लियर, उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। क्या करें, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एग्जीक्यूटिव के इन, अच्छा इसका परसेंटेज पूछा आउट ऑफ टोटल, तो आप लोग करते क्या है दोस्तों, तो यहाँ लिखते हैं 540 और यहाँ पे लिखते हैं 540 प्लस 445, आप परसेंटेज के लिए इनटू 100% करते हैं, आपकी अप्रोच यही होती है दोस्तों। तो यहाँ 540 अपन का 985 और इनटू का 100%, आपकी अप्रोच यही होती है। फिर काटना शुरू करते हैं, 5 से काटते हैं 20, फिर 5 से इसको काटते हैं, फिर कहते हैं सर कैलकुलेटिव पेपर था नहीं, लेकिन जब तक अप्रोच नहीं बदलिएगा ना, पेपर कैलकुलेटिव ही मिलेगा आपको, पीओ का पेपर आसान नहीं आता है, आप थोड़ा सा अप्रोच बदलने की ज़रूरत है दोस्तों आपको। अप्रोच कैसे बदलेंगे, देखिए समझिए, हमसे क्या वर्ड पूछा है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है अप्रोक्सीमेट, तो हम भी ऐसा करेंगे अप्रोक्सीमेट जो हमारी सुविधा हो, तो इसको ना हम लोग को 460 लेने सुविधा है, कितना, क्योंकि टोटल वैल्यू 1000 हो जाएगा, टोटल 1000, 1000 पे परसेंटेज निकालना आसान है, 1000 पे ये कितना है 540, तो 100 पे ये कितना हो जाएगा 54, मतलब 54% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 54% से थोड़ा सा मोड़ होगा, एकदम स्मॉल मोड़ आंसर होगा थोड़ा सा, तो 54 तो से थोड़ा सा ज़्यादा कितना 55 रहता तो सोचते हम लोग, ऐसा तो दिया नहीं था, 55 ही है थोड़ा सा ज़्यादा, तो सीधे क्या कर देना 55 को आंसर, 56 भी नहीं दिया कि हम लोग सोच सकते हैं कि 56 होगा, समझ रहे, हो सकता है लेकिन पॉसिबल 56 है। उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 2017। अब इसका ना एफ का आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो 450 लिखते हैं और यहाँ पे फिर 450 लिखते हैं और फिर 450 का 20%, 45 दूना 90 लिखते हैं, फिर 0 और 9 5 14 540, तो ये हो गया 450, फिर 540 जोड़ते हैं, 5 4 9 5 4 9 990, यही करते हैं आप लोग, आपका अप्रोच यही होगा, फिर इसको जोड़ते हैं, फिर इसका एवरेज निकालना है दोस्तों, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम्स 2 से कटेगा, 4 times 8 और 1 9, तो 19 और 9 2 18, तो 495 आ जाएगा दोस्तों, ये एवरेज आप लोग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 495। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक क्लियर है, ऐसे भी 10 कम था तो 5 5 इधर हो जाएगा, ठीक। देखिए गलती आप लोग यही करते हैं दोस्तों, अप्रोच में आपकी गलती है, मैं 2 मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, दोनों बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। देखिए मेथड नंबर 1, ये जो वैल्यू था वो 100% था और 20% बढ़ने के बाद वो वैल्यू कितना हो गया, तो 120% हो गया, मतलब टोटल वैल्यू दोस्तों कितना हुआ गया 220%, 220 का एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा 110%, 110 में मतलब 100% प्लस जो इंक्रीमेंट होगा वो 10%, 100% 450 और इंक्रीमेंट जो हुआ इसमें 45 का हुआ, तो दोस्तों कितना हो गया 495, ये आपका आंसर। मेथड नंबर 2 देखिए दोस्तों, इसके पास भी 100% था, इसके पास भी अगर 20% नहीं बढ़ता 100% ही रहता तो यही आपका एवरेज हो जाता, लेकिन 20% एक्स्ट्रा है, अब इस 20 को बराबर बराबर बांटेंगे तो एवरेज हो जाएगा, तो बराबर बराबर बांटने के लिए 10-10% दोनों को देना पड़ेगा, तो 110% एवरेज होगा, मतलब 100 प्लस 10, तो 100 का वैल्यू 450 और 10 का वैल्यू 45, तो 495, कैसे भी सोच सकते थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन एच 2017, एच में कितना है भाई, तो 750 और 10% बढ़ गया तो 750 का 110%, सीनियर एच इन 2016 कितना है दोस्तों, तो 480, यही तो हमको रेशियो ले लेना, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये भी 0 0 कैंसिल हो गया, अब कटेगा किसी चीज़ से, ये कटेगा दोस्तों किससे कटेगा, तो 11 से तो कटेगा नहीं, 11 से ये वैल्यू कटेगा नहीं, ये वैल्यू 3 से काट दीजिए, तो 16, 3 से करेंगे तो 16 3 48 और 3 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, तो ये 55 हो जाएगा, अब 5 से करेंगे इसको तो दोस्तों कितना हो जाएगा 32, तो 55 रेशियो 32, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑलरेडी मैं बहुत सारा सीरीज चला रहा हूँ, और DI की सीरीज ये चलती रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता दोस्तों। ये DI का सीरीज हम लोग तू भी कंटिन्यू रखेंगे, और आप लोग भी DI की प्रैक्टिस करते रहिए। अड्डा का क्विज आता है दोस्तों, देखिए अड्डा 247 का क्विज आता है, क्विज लगाते रहिए। ओली बोर्ड का क्विज आता है, क्विज लगाते रहिए। स्मार्ट की राय, प्रैक्टिस मक, बहुत सारे जिसका भी क्विज आता है लगाते रहिए। और आप लोग क्विज लगाइए, मॉक टेस्ट भी लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, एक एक दो दो डेली, और तैयारी करते रहिए, और मैं मेरे साथ मैथ्स पढ़ते रहिए दोस्तों। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।